الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله वहम तबरक वाजिब अहतराम नाजरन व व साम कुर्बानी ये एक माली इबादत है ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से ज़बा करना कुर्बानी कहलाता है कुर्बानी किन किस्म के जानवरों की कर सकते हैं उसके बारे में फ़िका में आया है वलहीत मिनल इबिल वलबकर गम मिन मंदालिका कुल्ली के कुर्बानी ऊंट गाय और बकरा इन किस्म के जानवरों से की जाती है गाय में जिन मुल्कों में भैंस जो पाले होते हैं उनकी कुर्बानी की जा सकती है और बकरा में बकरी भेर दुम्बा नर मादा मुजक्कर मुन्स मेल फीमेल सभी शामिल हैं ऊँट के बारे में बताया जाता है कि ऊँट पाँच साल के कम उम्र का ना हो पाँच साल या उससे ज़्यादा का हो अगर कोई ऊँट की कुर्बानी करे तो और गाय या भैंस की कोई कुर्बानी करता है तो दो साल या उससे ज़्यादा का हो दो साल से कम का ना हो ठीक इसी तरह बकरा या बकरी भेड़ या दुम्बा जिसकी कोई कुर्बानी करता है तो वो एक साल या उससे ज़्यादा का हो बात दुम्बा और भेड़ जो हैं दूर से देखे जाएं तो एक साल के मालूम होते हैं लेकिन होते हैं छः महीने के तो इस तरह के बेड़ और दुम्बे जो हैं उनकी कुर्बानी जायज़ है कुर्बानी क्योंकि हम अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए एक तहफा रखते हैं तो जानवर जो है ऐब से उसका पाक होना ज़रूरी है किसी तरह का उसमें नुख्स न हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला सल अल्लाह तसावसम की बारगाह में जब पूछा गया यार रसोल्ला सलाह वसम कि जानवर जो है किस तरह का हो और किन एब से वो जानवर पाक हो तो हुजूर हज़ूर सलातम ने उसके जवाब में इशाद फरमाया हज़रत बर्रा बिन आजिब रदी अल्लाह तुं से यदी से पाक रिवायत है कि नबी करीम सल्हु तसाब वसम से पूछा गया माद य तकीम नब्बाया फ़ारा बदही ही फ़क़ाला अरबान अलजाउ अलबैन दलूा व अवरा वलमरीदत उलबीन मरदुहा वल अजफ़ा उल्लतिलाया यानि क़ुरबानी के जानवरों का किन चीज़ों से पाक होना ज़रूरी है आप सल्ला तसल्म ने अपने हाथ से इशारा फरमाते हुए फ़रमाया चार चीज़ों से यानि वो जानवर लंगरा न हो और जिसका लंगरापन र हो तो इस किस्म का जानवर न हो या जानवर जो है काना ना हो काना उस जानवर को कहते हैं जिसकी है जिस है एक आंख खराब हो और उसका कानापन ज़ाहिर हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं ठीक इसी तरह बीमार जानवर जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं और जो जानवर इतना कमज़ोर है कि जिसकी हड्डी से गोश्त भी ना निकाला जा सके तो इस तरह का जानवर भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं ये मसला जे नशीन रखें मुंडा यानी वो जानवर जिसके पैदाइशी सींग न हो, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है लेकिन अगर उसके सेंग थे और टूट गए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं वो जानवर जिनके कान नाक दुम यानी पूंछ एक तिहाई यानी वन थर्ड से अगर कम कटे हुए हैं तो उनकी कुर्बानी जायज़ होगी ठीक इसी तरह अगर सींग भी एक तिहाई से कम टूटी हुई है तो उसकी कुर्बानी जायज़ होगी और अगर ज़्यादा टूटी है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी इसी तरह अगर कान या नाक या दुम ज़्यादा कटे हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا